नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका लखनऊ लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह, एक बार फिर हाजिर हूं आपके शहर की खबरों को समेटे कराने आपसे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं लखनऊ लाइव की और देखते हैं आज क्या कुछ खास है आपके शहर में, खास आपके लिए। लखनऊ सिर्फ अपनी कला और संस्कृति के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इसे संजो करके कैसे आगे बढ़ाना है, आगे की पीढ़ियों को कैसे इससे रूबरू करवाना है, इसके लिए भी बखूबी जाना जाता है। इसी कड़ी में भारतेंदु नाट्य कला संस्कृति से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और सरकार इस पे पैसे भी खर्च कर रही है ताकि इसको संजो करके रखा जा सके, युवाएं इससे आगे प्रेरित हो सके और लोग इससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। हमारे सहयोगी रजत सिन्हा की ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। लखनऊ ने केवल अपनी कला और संस्कृति को सहेज कर ही नहीं रखा है, बल्कि इसे आगे बढ़ाने का भी काम किया है। इसके लिए खुद प्रदेश सरकार ने भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की। इस अकादमी के जरिए ही लखनऊ की तहजीब और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस नाट्य अकादमी में क्या होता है, हम आपको बताते हैं। आधुनिक हिंदी एवं नाट्य लेखन के जनक भारतेंदु की स्मृति में नाट्य कला के विभिन्न पक्षों पर गहन व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु भारतेंदु नाट्य केंद्र की स्थापना 2 जुलाई 1975 में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। नाट्य विधा में विधिवत प्रशिक्षण कार्य 5 अप्रैल 1976 से प्रारंभ हुआ। यह संस्थान 1981 में भारतेंदु नाट्य अकादमी के नाम से अभिग्रहित किया गया एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू हुआ। नाट्य विधा में प्रशिक्षण के अतिरिक्त फिल्म एवं टीवी रेडियो कार्यक्रम, निर्माण एवं प्रक्रिया का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण भी परिचयात्मक रूप में वर्ष 1999 से अकादमी के अंतिम वर्ष के छात्रों को दिया जाता है ताकि मीडिया के विषय में उन्हें जानकारी हो सके। हम बात कर लेते हैं यहाँ के निदेशक रमेश गुप्ता से कि आखिर वो क्या कहते हैं भारतेंदु नाट्य अकादमी को लेकर के। BNA में वर्तमान में 2 वर्षीय नाट्य विधा में डिप्लोमा हम देते हैं, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 वर्षीय करता है, हम 2 वर्षीय दे रहे हैं। हमारा प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें फिल्म वगैरह की ट्रेनिंग को ऐड करें, इसके लिए भी हम कोशिश में लगे हुए हैं और ताकि इसका जो पाठ्यक्रम है उसको बढ़ाएं। अभी तो हमारे यहाँ से जो निकले हुए छात्रों में हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमारे अपने छात्र रहे हैं, राज यादव भी हमारे छात्र हैं, बहुत से बच्चे हमारे यहाँ के जो पास आउट हैं फिल्मों में, टेलीविजन में, ऑन स्टेज ऑफ स्टेज काम कर रहे हैं। लखनऊ की ही संस्कृति को हम पहले बढ़ावा देते हैं। हम यहाँ के एक छात्रा से भी बात करते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ क्या सीखने को मिलता है। यहाँ पे बाहर से बहुत विशेषज्ञ आते हैं, जैसे हेमंत कुमार भाटिया और सलीम आरिफ और श्याम रंग, जैसे उन्होंने कराया था हम लोगों को, और ये राजपाल यादव भी आए हैं कई बार। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो यहीं के पढ़े हुए हैं वो लोग आते हैं और विशेष जानकारी देते हैं, कभी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के बारे में, कभी कॉस्ट्यूम के बारे में, या कभी हमारे संवाद के बारे में, वॉइस एंड स्पीच की जो क्लासेस होती हैं, और योगा होता है, बॉडी लैंग्वेज पे हमारे काम होता है, डिफरेंट के कैरेक्टराइजेशन के बारे में हमें बताया जाता है। तो लखनऊ यूं ही लखनऊ नहीं है जनाब, अपनी कला और संस्कृति को समेटे, तहजीब को समेटे ये शहर आज भी जिंदा शहर है और अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रंजीत चटर्जी के साथ रजत सिन्हा। इसी के साथ लखनऊ लाइव में आज फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके शहर की कुछ और बेहतरीन चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक के लिए आप चलते रहिए समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार, शब खैर।